हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी की भी हम ऐसे ही शुरुआत करेंगे जैसे हमने हिस्ट्री की शुरुआत करी है। और ज्योग्राफी में बिल्कुल जीरो से डिस्कस करेंगे, जिसको कुछ नहीं आता वहाँ से मतलब जीरो से जानने की कोशिश करेंगे। और ज्योग्राफी में ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ये पहला लेक्चर है, क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितने भी मतलब चैप्टर्स हैं सबको कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये जर्नी होगी हमारी ज्योग्राफी की। तो आज से हम जर्नी की बिगिनिंग कर रहे हैं, ये पहला दिन है। और हिस्ट्री की भी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, वीडियो को क्रम से देख सकते हैं, ये नंबर मैंने डाल दिए आपकी सुविधा के लिए। तो ये पहला लेक्चर है, सो लेट्स बिगिन अवर ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम क्या डिस्कस करने वाले, पहला चैप्टर है हमारा या पहला टॉपिक है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, अर्थ, तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी, उन सारी चीज़ों की जानकारी करें। देखो, ज्योग्राफी में अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, मगर अर्थ को जानने से पहले हमें ज्योग्राफी की कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी, इसलिए वी कैन नॉट डिस्कस अर्थ डायरेक्टली। तो अर्थ को जानने से पहले देखते हैं कि अर्थ कहाँ पर आती है। ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ को के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो पहला चैप्टर है हमारा अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। ठीक है, सो एजेंडा आज के हम टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, फिर स्पेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, और यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, तो पांच पांच छः छः टॉपिक पर पर वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? ठीक है, आप रात में सोते होंगे, कभी बाहर रात में आपने देखा होगा, रात में तो रात में ये चांद तारे तारे से दिखाई देते हैं, कई सारी बॉडीज ही दिखाई देती हैं, देती नहीं देती। तो रात में इन द नाइट, या फिर जो भी हमें आकाश में, आकाश की ऊपर की तरफ आप देखो तो जो भी आपको आकाश में दिखाई दे रहा है वो सारी की सारी बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि ऑल दी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विच वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब ऐसे सभी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं या चीज़ें, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात में या दिन में स्काई में दिखाई देते हैं, आकाश में दिखाई देते हैं, स्पेस में दिखाई देते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अब सेलेस्टियल बॉडीज में आता क्या क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज में स्टार्स भी आते हैं, तारे आते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज में प्लैनेट्स आते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज में सैटेलाइट्स भी आते हैं, एस्टेरॉइड्स भी आते हैं, मीटियोरॉइड्स भी आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, मतलब जो भी कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है आकाश में वो सभी के सभी किसका पार्ट है, सेलेस्टियल बॉडीज का। इवन हमारा सन, सन भी किसका पार्ट है, सन आपको पता है स्टार है, तो ये भी सेलेस्टियल बॉडीज है। ये जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी किसका पार्ट है, सेलेस्टियल बॉडीज। सो आई होप इट इज क्लियर। सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स जो आपको दिखाई दे ऊपर स्काई में, जो भी चीज दिखाई दे रही है स्पेस में, जो भी चीज है, दैट एवरीथिंग कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो अर्थ भी हमारी क्या, एक प्लेनेट है, और प्लेनेट्स भी किसमें आते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज में। ठीक है, तो ये होती है सेलेस्टियल बॉडीज। अब दूसरी चीज है स्पेस। स्पेस क्या है, स्पेस आपने सुना होगा कि स्पेस शिप, स्पेस में जो शिप जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पेस शिप बोलते हैं। स्पेस में लोग देखते हैं कि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, और फिर मतलब स्पेस में ऐसे ही मतलब मूव, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करता तो ऐसे ही हम स्पेस में मूव कर सकते हैं। ठीक है, और सेलेस्टियल, अब स्पेस क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज आर मूविंग इन वास्ट लिमिटलेस प्लेस कॉल्ड स्पेस, जहाँ पर हमारी सेलेस्टियल बॉडीज स्पेस में जो मूव करती हैं, और ये जगह कैसी है, वास्ट लिमिटलेस प्लेस, वास्ट का मतलब होता है विशाल, लिमिटलेस मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी जगह जहाँ पर हमारी सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती हैं और उस जगह का कोई अंत नहीं है, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्पेस। तो हमारे ऊपर जहाँ एटमॉस्फेयर ख़त्म होता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर की पांच लेयर होती हैं जिनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम शुरुआत हैं। तो पांच लेयर के बाद जितनी, जो पांच लेयर ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद आता है स्पेस, और स्पेस में ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो जहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, स्पेस। और स्पेस कैसी जगह है, ये लिमिटलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक चलती जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेस। अब अगला टॉपिक है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, एस्ट्रोनॉमर मतलब कुछ लोग होते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज या उनके मूवमेंट की स्टडी करें, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो आपको पता ही है, रात में या दिन में स्काई में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। तो ऐसे लोग जो इन चीज़ों की, सेलेस्टियल बॉडीज की
क्या करें, स्टडी करें, सेलेस्टियल बॉडीज के मूवमेंट की स्टडी करें। उन सभी उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनोमर्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति हैं, ये कोई महिला है जो स्पेस का मतलब स्पेस में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है या स्काई में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये इनकी टेलीस्कोप के माध्यम से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर भी दिखा रखा है कि ये एक टेलीस्कोप है। और टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीज़ों को, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है, उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन जो सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट की स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, तो देखो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें ज्योग्राफी में आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट्स। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा बेसिक से बेसिक टर्म्स, बेसिक से बेसिक चीज़ों को आपको कवर कराने की कोशिश करूं, सो दैट आपकी ग्रिप बन जाए किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर क्या कौन होंगे, जो सेलेस्टियल बॉडी और उनके मूवमेंट की स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो एस्ट्रोनॉमर जो स्टडी करते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है, एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। अब मान लो जो हमें स्काई में दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अब उन सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो ये भी एक ब्रांच है साइंस की। ठीक है, तो और इसमें क्या करते हैं, हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। और इसमें हम क्या, दूसरी, ये दूसरी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन तो एक दूसरी यही है वाली है, द साइंस ऑफ स्टडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, जनरली ये वाली डेफिनेशन बेटर है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। तो ये साइंस की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जो एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं, जो इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स किसको पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ेंगे। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं भाई एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, सिंपल सी बात है। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमर्स में अंतर क्लियर होना चाहिए। यूनिवर्स, अब हम देखते हैं यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्स को जानने से पहले मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। देखो, हमारी जो अर्थ, अर्थ पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम का, और सोलर सिस्टम पार्ट है एक गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और गैलेक्सी भी पार्ट है यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स को बोलते हैं ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कई गैलेक्सी हैं, पता नहीं कितनी अनगिनत गैलेक्सी हैं, बिलियंस में गैलेक्सी, गैलेक्सी की संख्या किसमें, बिलियंस में। तो कितनी गैलेक्सी है पता नहीं, उस गैलेक्सी का एक उन गैलेक्सियों में एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारी अर्थ, और अर्थ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यूनिवर्स मींस एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस, स्पेस में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे, देखो हम स्पेस के बारे में देख चुके हैं ऑलरेडी, स्पेस जहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती हैं। तो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब निवास करती है, रहती है। तो एवरीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ या प्रत्येक ऐसी चीज़, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी जो स्पेस में रहती हैं, वो ही यूनिवर्स है। जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, लिमिटलेस जो चीज़ दिखाई दे रही है, जिसका कोई अंत नहीं है, जहाँ पर प्रत्येक चीज़ रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स का मतलब ये है। और ऐसा हम कोई किसी ने आज तक ऐसा डिफाइन नहीं किया है कि भाई यूनिवर्स का साइज कितना है। हमने प्लैनेट्स का साइज भी डिफाइन कर लिया, अर्थ का साइज डिफाइन कर लिया, अर्थ सन के बीच की दूरी को भी डिफाइन कर दिया है, मगर यूनिवर्स कितना बड़ा है ये डिफाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफाइन क्या, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट इमेजिन, मतलब इतना बड़ा है। ठीक है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, यूनिवर्स कितना बड़ा है ये डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हो सकता है फ्यूचर में हम कर लें इसको, बट अभी के लिए इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन दी यूनिवर्स, यूनिवर्स का साइज डिफाइन करना डिफिकल्ट है। देर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बिलियंस, एक बिलियन का जनरली मतलब होता है 100 करोड़। ठीक है, देर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, पता नहीं कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। और मैंने अभी आपको बताया था उन्हीं गैलेक्सी में से हमारी वाली गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। तो अवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्क और गैलेक्सी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। और यूनिवर्स में ऐसी कितनी गैलेक्सी हैं, बिलियंस गैलेक्सी हैं। ठीक है, बहुत करोड़ मतलब कई करोड़ मतलब गैलेक्सी गैलेक्सी हैं इसमें। ठीक है, तो यूनिवर्स, यूनिवर्स में गैलेक्सी, और गैलेक्सीज का ही पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, और ऐसी गैलेक्सी कितनी, हमें बिलियंस गैलेक्सीज हैं, और हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी।
और ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स की जो शुरुआत है कब हुई होगी, यूनिवर्स कब बना होगा, 15 बिलियन ईयर्स एगो, 15 बिलियन ईयर्स एगो इसकी शुरुआत हुई होगी, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं। और मानते कैसे, एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है, एक जाइगेंटिक एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है एक्सप्लोजन के दौरान, और ये एक्सप्लोजन कब होता है, 15 बिलियन एगो, और इस एक्सप्लोजन के दौरान क्रिएट होता है यूनिवर्स। क्या क्रिएट होता है, यूनिवर्स। और यूनिवर्स इसी एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स क्रिएट होता है, और यूनिवर्स में मोशन स्टार्ट हो जाती है, और यूनिवर्स में मूव करना स्टार्ट कर देता है, जो आज तक मूव करता आ जा रहा है, ठीक है। और इसी एक्सप्लोजन के बाद फिर क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, केम टुगेदर, और बहुत सारे जाइंट क्लाउड्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स विस्फोट हुआ, क्या हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ बहुत बड़ा, उसके बाद मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, फिर वो बड़े बड़े बादल बनाते हैं, जाइंट मतलब होता है बड़े क्लाउड्स बनाते हैं, किसके क्लाउड्स बनाते हैं, गैस और डस्ट पार्टिकल्स के, और इन बादल्स को हम बोलते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं, नेबुला, ठीक है। और ये नेबुला मूव कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं बहुत तेज गति से, ठीक है। हमारा जो सन है, सन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सन वाज बोर्न अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो यूनिवर्स कब बना, 15 बिलियन ईयर्स अगो। सन कब बना, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कई करोड़ों साल बाद, यूनिवर्स बनने के कई करोड़ों सालों बाद कौन बनता है, सन बनता है, ठीक है। ओके, बिग बैंग थ्योरी, अब एक बार बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी देख लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है, अभी बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली किससे रिलेटेड है, ये एक थ्योरी है, सिद्धांत है, किससे रिलेटेड है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा यूनिवर्स कैसे बना, तो यूनिवर्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी है। किससे रिलेटेड है, यूनिवर्स की उत्पत्ति, जो यूनिवर्स है उसका उत्पन्न कैसे हुआ, ओरिजिन कैसा हुआ, कैसे हुआ, उससे रिलेटेड थ्योरी है। वैसे तो कई सारी थ्योरी दी जा चुकी हैं, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। किससे रिलेटेड है, यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एज पर दी साइंटिस्ट, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, दियर वाज पावरफुल एक्सप्लोजन, इतने साल पहले क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, उसी एक्सप्लोजन को बोला जाता है बिग बैंग। और इसी एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स क्या हो गया, मोशन में आ गया। दिस पावरफुल एक्सप्लोजन सेट द यूनिवर्स इन टू मोशन विच कंटिन्यू इवन टूडे, और जो कि आज भी मोशन में ही है, आज भी गति में ही है, आज भी मूव कर रहा है, तो ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या होता है, एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के दौरान यूनिवर्स क्रिएट होता है, और यूनिवर्स एक मोशन, यूनिवर्स में एक मोशन सेट हो जाती है, गति हो जाती है, और यूनिवर्स मूव कर रहा है, जो आज तक भी मूव कर रहा है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में। तो ऐसा ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा, और इसी एक्सप्लोजन से क्या बना है, यूनिवर्स बनाए, फिर उसके बाद गैलेक्सीज, फिर उसके बाद आपका सोलर सिस्टम, और फिर कई सारी चीज़ें से एवोल्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हमारी वाली गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में आती है हमारी अर्थ, जिस पर हम क्या करते हैं, निवास करते हैं। और देखना चाहें तो प्लेनेट्स, प्लेनेट्स किस में आते हैं, सोलर सिस्टम में आते हैं, और सोलर सिस्टम किस में आता है, गैलेक्सी में, और हमारी वाली गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, और कई सारी गैलेक्सी किसको बनाती हैं, यूनिवर्स को, ठीक है। तो व्हाट इज योर एग्जैक्ट एड्रेस, अगर तुम्हें बताना है कि आपका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है इस यूनिवर्स में, तो इस यूनिवर्स में आपका कुछ हाउस नंबर होगा, कोई फिर स्ट्रीट का नाम होगा, वो स्ट्रीट किसी टाउन में होगी, टाउन किसी कंट्री में होगा, सॉरी स्टेट में होगा, फिर कोई कंट्री होगी, यहाँ पे स्टेट कर लेना, कंट्री होगी, कंट्री किसी कॉन्टिनेंट का पार्ट होती, कॉन्टिनेंट भी किसी ना किसी हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है, फिर वो किसी ना किसी एक प्लेनेट का हिस्सा हुआ, और प्लेनेट किसका पार्ट होता है, सोलर सिस्टम का, और सोलर सिस्टम हमारी कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी किस में आती है, यूनिवर्स में, ठीक है। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं हमारी पोजीशन कहाँ यूनिवर्स में। तो हम अगर हमारी गैलेक्सी, अगर यूनिवर्स में अगर हमारी इस गैलेक्सी को देखें, तो गैलेक्सी पॉइंट के बराबर है, किसके बराबर है, ऐसे पॉइंट पॉइंट के बराबर हैं, ऐसे कई सारी गैलेक्सी हैं, ऐसे गैलेक्सी, और इन्हीं गैलेक्सी का पार्ट है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के आते हैं प्लेनेट्स, और प्लेनेट्स के अंदर आते हैं फिर हम आते हैं, जैसे अर्थ है तो अर्थ के, अर्थ में हम आ जाएंगे। तो हमें डिफाइन करना, अगर हम ऐसे मतलब गैलेक्सी को देखें, तो पॉइंट के बराबर भी हम डिफाइन नहीं कर सकते अर्थ को, इतना मतलब बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है। ये नेबुला है, बहुत क्लाउड्स हैं, किसके, डस्ट पार्टिकल्स के क्लाउड्स हैं, गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स के क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। ये गैलेक्सी हैं, ऐसे करके जो घूम रही हैं, ये क्या हैं, गैलेक्सी हैं, और गैलेक्सीज का ही पार्ट क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग, और ये हमारा पहला लेक्चर है, और कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ। लेक्चर थोड़े 2-3 दिन या 4 दिन हो सकता है डिले हो जाए, अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, बट आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज।
आई होप यू विल एन्जॉय दिस जर्नी विद मी. थैंक यू सो मच.